किया था, यानी कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर 6 जो कि है, जिसको हम हिंदी में बोलते जय पराक्रम, उसी को हमें पढ़ना है। आपको याद हो तो आपकी पिछले वाले वर्कशीट जो 23 थी उसमें हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। आगे हम लोगों को पढ़ना है अब की बार रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन को अगर बिल्कुल आसान शब्दों में हम समझने की कोशिश करें तो रेस्पिरेशन है कि ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये कहलाता है रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स के संदर्भ में। और बेसिक अगर जाए तो रेस्पिरेशन को हम कह सकते हैं इट वाज एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस या गैसेस एक्सचेंज। तो अब सोचने वाली बात है कि रेस्पिरेशन क्यों ज़रूरी है। तो आइए ज़रा आपके एनसीईआरटी में देख लेते हैं कि आपको रेस्पिरेशन क्यों चाहिए। यह आपका चैप्टर 6 है एनसीईआरटी का, 6.3 पार्ट रेस्पिरेशन हम देखेंगे अब कि रेस्पिरेशन क्यों ज़रूरी है और कैसे लिए ज़रूरी है। तो क्या कह रहा है ये देखिए आगे। न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन जो कि हमने पढ़ा था, द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज इन सेल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। यानी हमें अलग अलग तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। तो आगे क्या कह रहा है ये, तो आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सम यूज अदर पाथवेज दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। आपको याद होगा तो जो हमारा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, उसमें भी एक तरह से जो है फूड फॉर्मेशन है या एनर्जी का जो काम है, तो वहाँ पर क्या होता है आखिरी में हम लोगों को बाई प्रोडक्ट मिलता है वाटर और ऑक्सीजन का। तो सिमिलर वे में यहाँ पर भी है कि यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है और वो हम लोग एनर्जी यूज़ करते हैं और एनर्जी मिलती है हमें ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। तो अब क्या कह रहा है ये आगे देखिए, इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ए 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल का पाइरूवेट। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। फर्दर द पाइरूवेट मे बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। यानी एक में क्या हुआ, एक में आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ, एक थोड़ा सा ऑक्सीजन की एब्सेंस में हुआ। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड एनारोबिक। और एक जो मेन चीज़ है वो देख लीजिए आप, ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। दिस प्रोसेस ब्रेक अप द 3 कार्बन पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो मेनली क्या हुआ, दो तरह के रेस्पिरेशन हमें पता चले, एक है एरोबिक और दूसरा एनारोबिक। एक में ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी जरूरी है, एक में ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी काम चल जाएगा। तो हमारे रेस्पिरेशन में ये चीज आई, ठीक है। तो आगे एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। आगे कह रहा है द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द एरोबिक प्रोसेस इज ए लॉट ग्रेटर देन एनारोबिक प्रोसेस। समटाइम्स व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स सेल्स अनदर पाथवे फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट इज टेकन। हियर द पाइरूवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड व्हिच इज ऑल्सो ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल। दिस बिल्ट अप लैक ऑफ लैक्टिक दिस बिल्ट ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटीज यूजिंग क्रैम्प्स। तो एक बेसिक चीज क्या बताने की कोशिश की इसने कि एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे होगा ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज जब हम करेंगे। तो कैसे होगा उसने ये बताया कि ग्लूकोज चला हमारा साइटोप्लाज्म में, इसका ब्रेकडाउन शुरू हुआ और फिर जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जब गया ये, तो
प्योर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसने कुछ एनर्जी बनाई जो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनी। अब उससे कम अगर एनर्जी हुई, ये पहले वाला आपका हो गया एरोबिक, दूसरे वाले में एनर्जी कम हो, वो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, तो ये मसल्स में आपके लैक्टिक एसिड बनाया और कुछ एनर्जी बनाया इसने। आखिरी में कोई ऑक्सीजन नहीं थी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसने काम किया, तो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी टू मॉलिक्यूल्स बनाए। ये है आपका ब्रेकडाउन पाथवे ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, आगे आपको एटीपी और एडीपी के बारे में पढ़ना है, तो देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है ये। जरा आपकी वर्कशीट पे चलते हैं वापस से, तो देख लेते हैं रेस्पिरेशन क्या कह रहा है ये। रेस्पिरेशन हमने बता दिया आपको दो तरह का है, एरोबिक और एनारोबिक। अब जरा ये वर्कशीट क्या कह रही है आपकी वो भी देख लेते हैं। रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस बाई विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड। तो हम लोगों ने देख ही लिया है कि एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, जो न्यूट्रिशन से हमें फूड मिल रहा है उससे हम जो एनर्जी बना रहे हैं। और ये क्या चाहिए, इसके लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए इसने लिखा इट इज़ यूजुअली नीड ऑक्सीजन। हमने पीछे देख लिया कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आगे देखते हैं। नंबर वन है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में क्या कह रहा है ये, दैट इज़ गैसियस एक्सचेंज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने क्या बताया था, रेस्पिरेशन को हम नॉर्मली जब कहते हैं तो गैसियस एक्सचेंज कहते हैं, और उसमें ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। तो आगे क्या कह रहा है ये, सेलुलर रेस्पिरेशन, दैट इज़ ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमने ब्रेक डाउन किया फूड का इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, ये आपका सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया। तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, दो तरीके का हो गया। अब आगे दो तरीके कौन से हो गए इसके, एरोबिक और एनारोबिक। अब क्या हो गया इसमें, पहला तो यही है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये साइटोप्लाज्म और यीस्ट में होता है, एंड प्रोडक्ट है CO2 एंड वाटर, यहाँ पे एंड प्रोडक्ट है अल्कोहल लैक्टिक एसिड, और यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा ग्लूकोज का, तो CO2 और वाटर रिलीज होगा एनर्जी के साथ। यहाँ पे नहीं होगा तो लैक्टिक एसिड CO2 इस तरह की चीज़ें रिलीज होगी। एक मेन चीज़ है यहाँ पे 36 ATP जनरेट होंगे और यहाँ पे 2, तो ऐसे बेसिक डिफरेंस को समझ लीजिएगा। अब जो हमने पढ़ा था पिछले वाले उसमें ज़रा वो देख लेते हैं, वह ये ब्रेकडाउन और ग्लूकोज, यानी कि जो हमने पढ़ा था क्या, ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन हुआ, पाइरूवेट बना 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी। अब सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी हो गई तो क्या बना, इन ईस्ट 2 मॉलिक्यूल्स इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। बिल्कुल नहीं थी ऑक्सीजन यहाँ पे, थोड़ी सी और ज़्यादा हुई या तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बन गई 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन के, और ये मसल्स में हुआ। और अगर प्योर ऑक्सीजन की सप्लाई है तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ बन गया। अब जो हमारा एनर्जी का फॉर्मेशन था वो तो हमने देख लिया। अब एक चीज़ है एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी बोलते हैं हम ATP को, अगर कुछ याद हो आप लोगों को, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लास 9th चैप्टर 5 में आप लोगों ने पढ़ा है ये कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। तो ATP टू ADP कन्वर्जन से ही हमारी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एक डाइबॉन्ड है एक ट्राइबॉन्ड है, जब बॉन्ड का फॉर्मेशन टूटता है तब ये एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तब देख लेते हैं। ATP यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म इन विच एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड। ठीक है, आगे ये बताया गया है कि कैसे ये काम कर रहा है, ADP प्लस फॉस्फेट एनर्जी, और ATP और फॉस्फेट, और ये ATP बन गया है, P यहाँ पे फॉस्फेट को है, और हाइड्रोलिसिस अगर होगा तो एनर्जी रिलीज होगी 13.5 किलोजूल पर मोल। और एनर्जी करेंसी ऑफ सेल मैंने बताया था आप लोगों को कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है और एनर्जी करेंसी कहलाता है ATP। और आखिरी में है यूज टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर अदर रिएक्शन इन द सेल। ये क्या करता है, सेल की
चीज़ों कोई भी जो है रिएक्शन हो या काम हो उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आइए अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द एनर्जी करेंसी इन द सेल या द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज ATP। यहाँ पे आंसर ATP है, ये देख लीजिए आप, ये वाला जो पॉइंट है। फिर आगे द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरेट इज टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक प्लेस इन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी, ये फुल ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का, तो ये होगा इनपुट माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये दोनों रेस्पिरेशन आप लोग की NCR इसमें दिए हुए शीट में भी, तो इसे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन 3 पाथवेज ऑफ ब्रेकडाउन ग्लूकोज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। 3 पाथवेज ऑफ ग्लूकोज हैं ये वाले, ये जो आपकी फिगर है। ठीक है, अगली है आखिरी राइट फुल फॉर्म ऑफ ATP, ये हो गई। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें ताकि और लोग भी इसको देख सकें और उसे समझ सकें। थैंक यू।